हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता की किचन से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्दियों का सीज़न चल रहा है और सर्दियों के सीज़न में पराठे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आज की मेरी रेसिपी है पत्ता गोभी का पराठा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पत्ता गोभी का पराठा। पत्ता गोभी का पराठा बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक छोटी पत्ता गोभी ली थी मैंने, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है और इसका मैंने पानी निचोड़ लिया है। इसके बाद में मैं यहाँ पर ले रही हूँ गेहूँ का आटा। 2 कप मैंने गेहूँ का आटा लिया है और आटे को मैंने छान लिया है। इसके बाद में मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक। इसके बाद में मैंने लिया है 1/3 टीस्पून गर्म मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून मैंगो पाउडर मतलब कि अमचूर पाउडर। और इसके बाद में मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हींग लेंगे 1 पिंच ऑफ हींग लेंगे, 1 हरी मिर्च लेंगे बारीक कटी हुई और 4 से 5 मैंने बारीक चॉप कर लिया है गार्लिक को, 2 टेबल स्पून हम कुकिंग ऑयल लेंगे। और ये पत्ता गोभी से निकला हुआ पानी है, जब हमने पत्ता गोभी ग्रेट की थी तो उसके अंदर से ये पानी निकला था जो कि हम आटा गूंथने में यूज़ में लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आटे को गूंथ कर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूँ का आटा लिया था। नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक और आटे को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद में ये जो पत्ता गोभी से निकला हुआ पानी है उसको भी हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी करके हम एक सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए आटा हमारा तैयार हो गया है। आप चाहे तो आटे में अजवाइन का यूज़ कर सकते हैं। अब ऑयल लेंगे और आटे पर इस तरह से लगा देंगे और एक प्लेट लेंगे, आटे को ढक देंगे और हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो चलिए हम अब गोभी को सोटे कर लेंगे। तो पैन ले लेंगे, ऑयल डाल देंगे, ऑयल गर्म होते ही हम डालेंगे जीरा, गार्लिक डाल देंगे, उसके बाद में हम हींग डाल देंगे, लो फ्लेम कर देंगे, सोटे कर लेंगे 1-2 सेकंड के लिए। इसके बाद में हम ऐड करेंगे ग्रेटेड जिंजर, सारे मसाले ऐड कर देंगे नमक को छोड़कर। सभी मसालों के अच्छे से सोटे हो जाने के बाद में अब हम पत्ता गोभी भी ऐड कर देंगे, हाई फ्लेम कर देंगे और पत्ता गोभी के अंदर हम नमक भी ऐड कर देंगे और अच्छे से पत्ता गोभी, नमक और सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। पत्ता गोभी और मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हम पत्ता गोभी को 1 मिनट तक सोटे करेंगे हाई फ्लेम पर। उसके बाद में हम गैस ऑफ कर देंगे और स्टफिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम अपना आटा चेक कर लेंगे, आटे को एक बार दोबारा से हम मल लेंगे। आटा हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। मैंने देसी घी लिया है पराठा बनाने के लिए, थोड़ा सा अलग से मैंने सूखा आटा लिया है। अब हम आटे में से लोई तोड़ेंगे, थोड़ा सा जो हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा हम बड़ी लोई लेंगे और इसको रोटी जितना बेल लेंगे। अब हम घी लगाएंगे रोटी के ऊपर, स्टफिंग करेंगे हम इसकी 1.5 से 2 चम्मच। तो देखिए अब हम इसको स्टफिंग को अच्छे से पैक कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से दबा देंगे और सूखा आटा लगाएंगे और इसको रोटी से थोड़ा सा बड़ा बेल लेंगे एक बेलन की हेल्प से। और
हमें बीच बीच में सूखा आटा लगाते रहना है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे किनारों से स्टफिंग बाहर निकल रही है, तो आप हाथों से इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं जैसा कि मैं कर रही हूँ। अब हम पराठे को हथेलियों से इस तरह से करेंगे, जो एक्स्ट्रा आटा होगा वो झट जाएगा। अब हम दूसरा पराठा बनाएंगे और सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। दोनों पराठे हमारे तैयार है, चलिए तो पराठे को सेकते हैं। पैन ले लेंगे, हाई फ्लेम कर देंगे। पैन गर्म हो जाने के बाद में हम घी लगा देंगे, पैन के ऊपर पराठा डाल देंगे। एक तरफ से सिक जाने के बाद में अब हम पराठे को पलट लेंगे, घी लगाएंगे, घी या तेल जो आप यूज़ करना चाहें। दोनों तरफ हमें घी लगाना है। उसके बाद में हम मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसको प्रेस करते हुए हम पराठे को अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। पराठा हमारा तैयार है, किचन टॉवल पर हम पराठे को निकाल लेंगे और दूसरा पराठा भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। हमारा दूसरा पराठा भी तैयार है, तो चलिए पराठों को हम सर्व करते हैं। तो ये देखिए, पराठे को मैंने लाल मिर्च के अचार के साथ सर्व किया है और इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये देखिए, अचार मैं आपको दिखा नहीं पाई थी क्योंकि धूप में मैंने नहीं रखा था। ये देखिए, धूप में रखने के बाद में कुछ इस तरह का अचार हमारा बन गया, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और आप पराठे को रायते के साथ या फिर चाय के साथ, दही के साथ या फिर सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू एंड बाय बाय।